नमस्कार, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का शेष भाग करेंगे, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। तो आज प्रश्न 7 से शुरू करना है, तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्या ज्ञात करनी है तो लिख लेंगे, माना बड़ी संख्या x एवं छोटी संख्या y, छोटी संख्या y मान लेते हैं, ठीक ना। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए क्या लिखा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक ना। तो पहले संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, फिर इनका अंतर कर लेते हैं। तो कितना लिखा है, 180, तो समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है, छोटी संख्या का वर्ग, इसकी में छोटी संख्या y है तो लिखेंगे y का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, x, तो x का 8 गुना कर लिया, तो समीकरण 2 प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब इसमें से y स्क्वायर का मान ये इस पहले वाले समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए रख देते हैं यहां पर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के स्थान पर 8x रख देंगे, 8x बराबर 180, 180 को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका हल करेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 को ब्रेक करना है तो ये जाएगा 180 मतलब 18 × 10, अगर 18 में 10 घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। देखिए माइनस 18 प्लस 10, तो इसका हल करेंगे तो माइनस 8 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 4 पद प्राप्त हो गए, अब शुरू के 2 पद और अंतिम के 2 पद से उभयनिष्ठ लिया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या उभयनिष्ठ है, इसमें x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 18 प्लस, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए 10 है, 10 उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर x बच गया, माइनस यहाँ पर 18 बच गया, ठीक ना। ये 10 × 18 है, ठीक ना। तो 18 इसमें 10 उभयनिष्ठ चला गया तो 18 बच गया बराबर 0। तो लिखेंगे इसको x माइनस 18 और x प्लस 10, अलग अलग कोष्टक में लिख लिए। अब इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, यदि x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0, तो x का मान क्या ज्ञात हो जाएगा, x बराबर 18 या x बराबर माइनस 10। तो देखिए दो मान ज्ञात हो गया, इसमें से हमको ये x बड़ी संख्या हमने माना है तो बड़ी संख्या 18 लेंगे, ऋण में नहीं लेंगे। x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो 2 में रखेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं तो आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 × 18, तो 18 × 8 = 144 और इसका वर्ग, इस पर वर्गमूल लगेगा तो ये हो गया प्लस माइनस वर्गमूल 144, 144 का वर्गमूल ये 12 प्राप्त होता है, ठीक ना। ये अतः बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12, ठीक ना, या बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस, ये माइनस
12, ठीक ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या किया गया है, चाल में वृद्धि की गई है, तो लिखेंगे चाल में वृद्धि करने पर रेलगाड़ी की नई चाल या सिंपल चाल भी लिख सकते हैं। तो चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, तो जो भी पहले रहा होगा उसमें प्लस 5 कर दिया जाएगा, तो यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, तो प्रश्नानुसार देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक ना। तो अगर ये 360 किलोमीटर की दूरी, ठीक ना, 360 किलोमीटर की दूरी, और देखिए दूरी है, चाल कितनी है, अगर यश के चाल से चल दें तो कुल इतना समय लगता, ठीक ना, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। तो 360 बटे यक्स, ये एक सामान्य चाल से रेलगाड़ी को चलने में जितना समय लगेगा और 360 किलोमीटर को दूरी को तय करने में जितना भी समय लगेगा, ये रहा, ठीक ना। फिर अगला देखते हैं, इसी दूरी को अब बढ़ी हुई चाल से अगर तय करना हो यक्स प्लस 5, तो अगर सेम दूरी को अगर चाल बढ़ा कर तय करेंगे तो कुछ समय तो कम लगेगा, है ना। ये नॉर्मल चाल, जब ये नॉर्मल चाल है तो कुछ समय लगेगा, और जब चाल में वृद्धि कर देंगे तो वही दूरी कुछ कम समय में तय किया जाएगा, ठीक ना। तो ये कुछ कम समय हुआ, जैसे अब इसमें दिया है कि एक घंटा कम समय लगेगा, तो जैसे मान लिया ये 10 घंटा लगा इसको, तो चूंकि चाल ज़्यादा है इसको 9 ही घंटे में लगा, ठीक ना, एक घंटा पहले ही इसने तय कर लिया। तो देखिए जब बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो प्लस 1 कर दीजिए तो 10 और ये 10 हो गया, या यहाँ माइनस 1 कर देते, ठीक ना, तो 10 माइनस 1 बराबर ये भी 9 हो जाएगा। तो चाहे इसमें प्लस करिए चाहे इसमें माइनस करिए तो बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें मैं प्लस 1 कर दूँ, एक घंटा ये कम है, ठीक ना, तो इसमें प्लस 1 कर दिया तो ये बराबर हो गया। अब इसको, इस समीकरण को हल करते हैं, इसको बाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो गया एक्स और एक्स प्लस 5। अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए बार लिख देते हैं, 360 गुणे एक्स प्लस 5 माइनस 360 गुणे एक्स बराबर 1। अब इसका दोनों पदों में गुणा कर लिया जाएगा तो 360 गुणे एक्स हो गया 360x प्लस, इसका जोड़ लेंगे तो ये हो गया 5 0 0 पाँच 36 3 पाँच 3 15 3 18 माइनस 360x बटे, इसका गुणा दोनों पदों में किया जाएगा तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो जगह x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, प्लस x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x आ जाएगा बराबर 1। देखिए ये प्लस में है माइनस में है तो कैंसिल हो गया। अब तिरे गुणा कर लेंगे तो देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये जाएगा 1800,
ठीक ना। अब 1800 को बाई तरफ पक्षांतर कर देंगे तो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, तो हो गया -1800 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, तो पहले 1800 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये देखिए 1800 का गुणनखंड कर ले रहे हैं, 2 × 18, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 10, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 5 = 10, ये 3 से चला जाएगा, तो 2 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ये हो गया 25 बार में, और ये हो गया 5 × 5 = 25, और 5 × 1 = 5, ठीक ना। अब इसका ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि दो गुणनखंड में बदलना है और उनको जोड़ने और घटाने पर 5 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये कर लेते हैं, देखिए 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 40, ठीक ना, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 5 = 40 गुणे 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, तो ये 45, 45 में 40 अगर घटाएं तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं x² + 45x - 40x - 1800 = 0। तो इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा, इसमें देखिए x कॉमन है x, तो हो गया x प्लस 45 माइनस इसमें 40 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बचेगा यहाँ पर, और माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और इस 1800 का देखिए 40 गुणे 45 गुणनखंड किया है, 40 गुणे 45, तो ये 40 बाहर उभयनिष्ठ हो गया है, तो यहाँ 45 बचेगा बराबर 0। तो देखिए इसके आगे यहाँ लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 40, x + 45 और x - 40 = 0। तो यदि x + 45 = 0 या x - 40 = 0, तो क्या आंसर आ जाएगा, x - 45 या x = 40। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, ठीक ना, ऋणात्मक में चाल नहीं होती, तो इसलिए ये संभव नहीं है। लिखेंगे यह संभव, या सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, इसमें लिखा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, तो लिखें माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना ले रहे हैं, इसको x घंटे ले लेते हैं, ठीक ना। तो x घंटा का समय लगा, तो बड़े व्यास वाले नल कितना समय लगेगा, उससे 10 घंटा पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको लिख लेते हैं तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को
भरने में लगा समय, कितना समय लगा इसको, यक्स माइनस 10 घंटे, ठीक ना। छोटे नल वाले को जितना भी समय लगेगा उससे इस बड़े वाले नल को 10 घंटा कम समय लगेगा। तो अगर वो मान लिया उसको 20 घंटा लगता है तो इसको 10 घंटा ही लगेगा। हौज का मतलब होता है एक बड़ी सी टंकी होती है जिसे पानी इकट्ठा करके रख लिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं, देखिए फिर इसके बाद लिखेंगे, देखिए लिखते हैं फिर, एक घंटे में 6 नल के द्वारा हौज को, हौज का भरा गया भाग, भरा गया भाग, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, अगर कोई व्यक्ति एक काम को, कोई व्यक्ति अगर एक काम को अगर ये 4 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक ना, 4 दिन में एक काम कंप्लीट कर लिया। तो अगर हम बात करें कि अगर एक दिन में काम का कितना भाग हुआ, कितना भाग हुआ, ठीक ना। तो 4 दिन में एक काम पूरा होता है तो एक दिन में काम का कितना भाग हो जाएगा, 1/4 भाग हो पाएगा, ठीक ना। तब ना ये 4 दिन में पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार एक दिन में एक इतना काम हुआ, इस तरह 2 दिन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2, ठीक ना। तो आधा काम हो जाएगा, है ना। 4 दिन में एक काम हो रहा है तो 2 दिन में आधे ही काम होगा। इसी प्रकार जैसे 4 दिन में एक काम 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 1/4 काम होगा, ठीक ना। काम का 1/4 भाग एक दिन में समाप्त होगा, ठीक ना। इसी प्रकार अगर छोटे व्यास वाले नल एक होज को कितना समय में ले रहा है, x घंटे में भर रहा है, तो अगर एक घंटे में बात करें कि एक घंटे में ये छोटे नल वाला हौज का कितना भाग भरेगा, ठीक ना, कितना भाग हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे 1/x घंटे, x भाग भर जाएगा हौज का। इसी प्रकार एक घंटे में बड़े व्यास वाले नल के द्वारा हौज का भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/x-10 भाग। अब देखिए दोनों मिलकर एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक ना। देखिए दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना समय लगा इसमें, तो देखिए इसमें लिखा है 9 सहित 3/8 घंटे, ठीक ना। दोनों मिलकर अगर भरे तो ये 9 सहित 3/8 घंटे में एक हौज को भर लेते हैं। इसको साधारण भी मतलब 8 × 72 = 75 घंटे लगे, ठीक ना। तो ये एक हौज को इतना घंटे में भरते हैं, तो हम देखते हैं एक घंटे में दोनों नलों द्वारा हौज का भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/75/8, ठीक ना। सबके बटे बटे, यक्स है तो 1/x, x-10 है तो 1/x-10। इसी प्रकार इसको भी बटे में करेंगे तो 1/75/8 हो गया। तो बटे के बटे में है तो ये ऊपर चलाता है, तो जाएगा 8/75, ठीक ना। तो 75 घंटे हो गए। अब देखिए
सबका एकक दिन का किया हुआ भाग निकाल लेते हैं, एकक घंटे में हौज को कितना भाग, हौज का कितना भाग भरा गया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार एक घंटे में छोटे वाला एक बटे एक्स प्लस एक घंटे में बड़ा वाला नल एक बटे एक्स माइनस टेन और एक घंटे में दोनों नल द्वारा आठ बटे पचहत्तर। तो इसको लिख लिए, इसको हल कर लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेते हैं एक्स एक्स माइनस टेन। तो इसका तिरछा गुणा करते हैं तो लिखेंगे यहाँ एक्स माइनस टेन प्लस एक्स एकम एक्स बराबर आठ बटे पचहत्तर। इसको हल करेंगे, देखिए एक्स और एक्स टू एक्स माइनस टेन बटे, इसका गुणा दोनों पदों में कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स बराबर आठ बटे पचहत्तर, ठीक ना। अब इसका तिरे गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा आठ में और इनका पचहत्तर गुणा इन दोनों पदों में कर लेंगे, देखिए क्या प्राप्त होता है। तो पहले इसका गुणा इसमें करते हैं तो इन दोनों पदों में गुणा होगा आठ का, तो होगा आठ एक्स स्क्वायर माइनस अस्सी एक्स, है ना, आठ दहम अस्सी, पचहत्तर दूनी डेढ़ सौ, डेढ़ सौ एक्स, पचहत्तर दूनी डेढ़ सौ माइनस सात सौ पचास, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं एक्स एट एक्स स्क्वायर माइनस एटी एक्स माइनस बराबर एक सौ पचास एक्स और माइनस सात सौ पचास, ठीक ना। तो हो गया माइनस सात सौ पचास, ठीक। अब बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो गया एट एक्स स्क्वायर माइनस एटी एक्स, इसको अंदर पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक सौ पचास एक्स और वो पक्षांतर होगा तो प्लस सात सौ पचास एक्स, पचास बराबर शून्य। तो ये हो गया एट एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ लेंगे तो जाएगा दो सौ तीस एक्स प्लस सात सौ पचास बराबर शून्य। इसमें देखिए दो दो उभयनिष्ठ है, ठीक ना, तो इसमें दो दो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए बचेगा दो चौके आठ, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंचे दस, ये हो गया दो तिहाई छः, दो सत्ते चौदह, दो पंचे दस बराबर शून्य। इसमें दो दो कॉमन ले लिया है बस, ये दो नीचे जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक सौ पंद्रह एक्स और ये जाएगा प्लस तीन सौ पचहत्तर बराबर शून्य। ये जीरो मतलब जीरो बटे दो हो जाएगा तो शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया, अब इसको सूत्र विधि से इसको हल करेंगे। तो इस समीकरण को ऊपर लिख लेते हैं तो लिखे फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक सौ पंद्रह एक्स प्लस तीन सौ पचहत्तर बराबर शून्य। अब देखिए इसको प्राप्त समीकरण को, प्राप्त समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, तुलना करने पर इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तुलना करने पर करेंगे तो ए का मान कितना आया चार और बी का मान माइनस एक सौ पंद्रह और सी का मान तीन सौ पचहत्तर। अब द्विघात सूत्र लिखते हैं तो होगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे दो ए, ठीक ना। अब इसमें मान रख देते हैं ये माइनस सूत्र का है और बी का मान माइनस एक सौ पंद्रह प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक सौ पंद्रह का स्क्वायर माइनस चार, ए का मान चार और सी का मान तीन सौ पचहत्तर बटे दो गुणे ए, ए का मान चार है। तो देखिए दो माइनस मिलके प्लस हो गया तो एक सौ पंद्रह प्लस माइनस, एक सौ पंद्रह का वर्क करिए तो ग्यारह बारह एक सौ बत्तीस पच्चीस माइनस और ये हो गया चार सौ सोलह,
16 पंचे 80, 8 हासिल, 16 सत्ते 112, 8 जोड़ेंगे 120, 0, 12 हासिल, 16 त्रिक 48, 50 60, ये हो गया 6000 आ गया, बटे 4 दुनी 8। अब इसको हल करेंगे, देखिए 115 प्लस माइनस, देखिए इसको घटाइए 0 0 0, तो ये हो गया 225 आ गया, और 13 में 6 गया 7, तो 72 25 आ गया। अब इसका 72 25 का गुणनखंड कर लीजिए, तो इससे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल करेंगे तो 72 25 करेंगे, 72 25 करेंगे तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, ये हो जाएगा 17 का वर्ग होता है, तो 17 एकम 17, ठीक ना। तो अगर 72 25 का करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, तो वर्गमूल है तो जोड़ा बनेगा 5 का और ये 17 का बना, तो 17 पचे 85 आ गया, तो हम यहाँ पर 85 लिख सकते हैं, बटे 8। अब एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, या धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक ना। और यहां ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, x बराबर 115 प्लस 85 बटे 8, 5 5 10 हासिल 1, 8 9 10 2 बटे 8, इसको काटेंगे तो 25 बार में आ जाएगा, ठीक ना, 25 8 200 होता है, तो x का मान 25 आ गया। अब माइनस करके देखते हैं इसको, x बराबर 115 माइनस 85 बटे 8, तो इसको हटा लेते हैं, 5 5 गया 0 और 11 में 8 गया 9 10 11, 30 बटे 8 आ गया, ठीक ना। अब देखिए अगर इसको हम भाग कर लें, इसको 8 देखिए भिन्न में आ गया है, 8 30, तो 8 3 24, ठीक ना, 8 3 24, 6 दशमलव के बाद 0, तो 8 7 56 और 4 0, 8 5 40, तो देखिए ये आया लगभग, मतलब 3.75 घंटे आया, ठीक ना। इस प्रश्न में ये लिखा है कि अगर छोटे वाले नल को जितना भी समय लगे उससे 10 घंटा कम लगेगा बड़े वाले नल को भरने के लिए, ठीक ना, किसी हौज को भरने के लिए बड़े वाले नल द्वारा 10 घंटा कम समय लगेगा। अगर मैं छोटे वाले नल को कहूँ कि ये 3.75 घंटे में ये एक हौज को भर लेता है, तो बड़ा वाला नल इसके 10 घंटा कम समय में ही भरेगा, तो अगर इसमें से 10 कम करेंगे तो ऋणात्मक में आ जाएगा, ठीक ना, तो वो संभव नहीं है, ठीक ना, वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, इसलिए ये x का मान 3.75 संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम x का मान 25 लेंगे, मतलब छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 25 घंटा लगेगा, तो बड़े नल वाला इसमें 10 घटा देंगे तो 15 घंटा लगेगा, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं, अतः, तो लिखते हैं अतः छोटे नल द्वारा या छोटे व्यास वाले नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे और बड़े व्यास वाला
बड़े व्यास वाले नल द्वारा अलग से या अकेले, ठीक ना, अलग से हौज को भरने में लगा समय बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे, ठीक ना। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं प्रश्न नंबर 10। माना सवारी गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं इसे, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी। इसमें बोला है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो इसमें प्लस कर लेंगे 11, ठीक ना, 11 किलोमीटर जुड़ गया इसमें, अधिक है, ठीक ना। तो प्रश्नानुसार देखिए ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक ना, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर, तो लिखेंगे 132 किलोमीटर ये दूरी, और चाल क्या है, अगर सवारी गाड़ी के द्वारा कितना समय लगेगा 132 चलने में, तो बटे एक्स जिसकी चाल से भाग दे देंगे, तो सवारी गाड़ी को इतना समय लगेगा तय करने में। और इसके आगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बात कर लेते हैं तो 132 वही दूरी को ये तेज़ी से चले कवर करेगा, ठीक ना, तो तेज़ी चलने कारण ये कम समय लगेगा, ठीक ना, ये भी समय है और ये भी समय है, ये सवारी गाड़ी के द्वारा तय की गई का समय है और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय ये रहा। इसमें बोल रहा है एक घंटा कम समय लेता है, तो एक्सप्रेस ये एक घंटा कम है, जैसे अगर ये 10 घंटा लगा इसको 9 ही घंटा लगा, ठीक ना। तो समीकरण को बराबर करने के लिए हम यहाँ एक प्लस वन कर देंगे तो ये भी प्लस 9 प्लस 1 10, मतलब दोनों तरफ समीकरण बराबर हो गए, ठीक ना। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो लिखेंगे 132 बटे एक्स, इसको बाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर यहाँ एक बच गया। अब तिरय गुणा कर लेते हैं इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो जाएगा एक्स और एक्स प्लस 11, तिरय गुणा यहाँ से करेंगे इसका तो लिखते हैं 132 एक्स प्लस 11 और माइनस 132 एक्स बराबर 1। इसका गुणा दोनों पदों में करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे और इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो लिखेंगे 132 एक्स प्लस, और इसमें 11 गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे 2 3 2 5, ठीक ना, 3 1 4 और ये 1, ठीक ना, 1452 आया, माइनस 132 एक्स बटे इसका दोनों पदों में गुणा कर लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1, ठीक ना। तो ये चीज़ सेम प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया, बटे कर लेंगे तो तिरय गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1452, ठीक ना, 1452 को बाई तरफ पक्षांतर कर लेंगे
यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स और इसको इधर करेंगे तो माइनस 1452 बराबर 0। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो द्विघात सूत्र के द्वारा हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको तुलना कर लेते हैं, लिखेंगे प्राप्त समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए का मान 1 है, बी का मान 11 है और सी का मान -1452, ठीक ना। तो अब द्विघात सूत्र लगा लेंगे तो हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का मान रख लेंगे तो b का मान 11 है, तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस करनी में b का मान 11 है, -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 1452 माइनस में लिख लेंगे बटे 2 गुणे 1। तो ये हो गया -11 प्लस करनी में 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 2 माइनस मिलेगा तो प्लस हो गया, 4 दुनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18 हासिल 1, 4 एकम 4 एक 5 बटे 2। माइनस 11 प्लस माइनस इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9, 2 8 एक 9 और एक 5 बटे 2। तो इसका देख लेते हैं, इसका वर्गमूल कितना आता है, आता है तो जाएगा, देखो इसका ऐसे निकालते हैं 5929, ये किसके पाना से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 7 7 से जाएगा, तो जाएगा 7 49 7 8 56 7 8 56 56 6 7 8 9, 3 बगल में गया 32 हो गया, 7 चौक 28, 29 30 31 32 7 सते 49, फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 7 एकम 7 11, 11 11 और 11 एकम 11। तो देखिए इसका जोड़ा बनेगा तो ये इसका एक 7 प्राप्त हो जाएगा और ये 11 है तो इसका जोड़ा 11, तो ये 77 है, इसका मतलब उसका 77 इसका वर्गमूल होता है, तो इसको 77 लिख लेंगे। उत्तर तो लिखिए -11 प्लस माइनस 77 बटे 2, ठीक ना। एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक, तो x बराबर -11 प्लस 77 बटे 2 और यहाँ पर -11 माइनस 77 बटे 2, तो 77 में 11 गया तो 66 बटे 2, तो ये आ गया 2 एकम 2 तिहाई 6 33 आ गया। इसी प्रकार ये आ गया -88 बटे 2, तो ये हो गया -44, ठीक ना। तो -44 आया और एक माइनस प्लस 33 आया। देखिए चाल तो माइनस में नहीं होता है, तो चाल माइनस में नहीं लेंगे, ठीक ना, प्लस में ले लेंगे। देखिए ये -44 आया जो संभव नहीं है, ठीक ना, जो संभव नहीं है, ठीक ना। तो 33 आया, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर ज़्यादा थी, है ना, तो 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना।
सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस रेलगाड़ी ज़्यादा तेजी चलती थी, तो ये 33 है तो ये 44 आया। इसी प्रकार ये प्रश्न हो गया। एक अंतिम प्रश्न बचा है, उसको भी कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, अंतिम सवाल है ये प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। लेकिन माना दो वर्गों की भुजाएं यक्स एवं वाई हैं, ठीक ना, वर्गों की भुजाएं ले लिया यक्स और वाई। तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का वर्ग होता है, तो जगह यक्स का स्क्वायर, एवं दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भी भुजा स्क्वायर, तो जाएगा वाई का स्क्वायर। और परिमाप दिया है, तो लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो जाएगा 4x, ठीक ना, भुजा इसकी x है। तो और दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप इसका हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो जाएगा 4y, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार इसमें देखिए पहले लिखा क्षेत्रफल का योग, ठीक ना, तो दोनों का क्षेत्रफल ये है, इनको जोड़ लेंगे तो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक ना, क्षेत्रफल का योग 468 दिया है। अब परिमापों का अंतर 24 दिया है, तो परिमाप दिया है तो 4x माइनस 4y बराबर 24 दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें 4 उभयनिष्ठ है, तो x माइनस वाई बराबर 24, 4 नीचे पक्षांतर कर देंगे तो जगह x माइनस वाई बराबर 24/4, 4 एकम 4 छंग 24, तो जगह x बराबर x माइनस वाई बराबर 6। इससे हम x का मान निकाल के इसमें रख लेते हैं या y का मान निकालेंगे, तो x बराबर 6 प्लस वाई, ठीक ना, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो 6 प्लस वाई। अब इस x का मान उठाकर इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए एक समीकरण ये है, x पहले लिख लेते हैं पूरा समीकरण, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, तो x का मान 6 प्लस वाई रख देते हैं यहाँ पर, तो 6 प्लस वाई के घात 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसमें x प्लस वाई के घात 2 का सूत्र लग जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई के घात 2 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सूत्र होता है, ठीक ना। तो इस पर रखेंगे तो जाएगा x है और ये y है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 36 प्राप्त हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 दुनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए वाई स्क्वायर दो बार है, तो लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y, ठीक ना, ये 36 को यहाँ लिख लेते हैं, उसको अंदर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 468 बराबर 0 हो गया, तो हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको माइनस कर लेते हैं तो 468 में
36 घटाएंगे तो 6 2 8 3 3 6 432, तो -432 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसमें सब में 2 2 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 2 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं इसका, तो 2 बाहर निकलेगा तो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, ये 2 नीचे पक्षांतर जाएगा तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो इसका 216 का गुणनखंड करेंगे और जोड़ने या घटाने पर 6 प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। तो 216 का गुणनखंड कर लेते हैं, 216 का गुणनखंड कर लेते हैं, 216 गुणनखंड कर लेते हैं यहीं पर, 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये हो गया। अब इसका जोड़ करते हैं, 3 2 6 6 3 18, तो 3 3 9 2 18 ये हो गया, और 3 2 6 6 2 12, तो क्या 18 × 12, अगर 18 में 12 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, तो ये रहा ठीक है, ये इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0, तो ये हो गया वाई, तो ये हो गया वाई प्लस 18 माइनस 12y, बाहर माइनस ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 216 को 18 × 12 लिखते हैं, इसमें 12 कॉमन निकल गया यहाँ 12, तो ये 18 बच गया, ठीक ना, ये 18 × 12 होता है, इसमें 12 बाहर ले लिया तो यहाँ 18 बच गया बराबर 0, तो हो गया y प्लस 18, ये हो गया y माइनस 12 और ये हो गया y प्लस 18, ठीक ना। तो इसमें y का मान हो जाएगा, यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो जाएगा y बराबर 12, या y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18, ठीक ना। तो ये y का मान 12 प्लस में आया है, y का मान माइनस 18 माइनस में आया है, ठीक ना, तो लंबाई माइनस में नहीं होती इसलिए माइनस 18 को छोड़ देंगे और ये प्लस 12 को ले लेंगे, तो इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का भी मान प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर 12, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 6 प्लस y है तो y का स्थान पर 12 रख देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो अतः पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 18 मीटर एवं दूसरे वर्ग की भुजा है ना, y बराबर 12 है तो 12 मीटर हो गया, ठीक ना, तो ये हल हो गया।